आज हम सीखेंगे भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर हमने पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स को व्यक्त करना सीखा है। जरा सोचिए, क्या हम पूर्ण संख्याओं की ही तरह भिन्नों को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, हम भिन्नों को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ एक कागज है, मान लीजिए हमने इसके चार बराबर भाग बनाए। अगर हम इन चार भागों को इकट्ठा देखें, तो यह एक पूर्ण यानी होल है। कागज के चार भागों में से अगर हम एक भाग लेते हैं, तो यह भाग पूर्ण भाग का एक चौथाई भिन्न यानी फ्रैक्शन होगा। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। इसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। भिन्नों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए हमने इकाई दूरी बड़ी रखी है, ताकि हम भिन्नों को ठीक से व्यक्त कर सकें। चूंकि हमने कागज के चार बराबर भाग किए हैं, इसलिए हम सभी इकाई दूरियों के चार बराबर भाग करेंगे। यहाँ हमने चार बराबर भागों में से एक भाग लिया है, इसलिए हम संख्या रेखा पर बनाए चार भागों में से एक भाग लेंगे और इसे भिन्न 1/4 से अंकित करेंगे। इसी तरह हम कागज के दो भाग लेते हैं, तो इनके लिए भिन्न लिखेंगे 2/4। क्या आप बता सकते हैं इसे हम संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इसके लिए संख्या रेखा पर अब हम दो भाग लेंगे और इस प्रकार हमें भिन्न 2/4 का स्थान प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम भिन्न 3/4 संख्या रेखा पर तीन भाग लेकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम चार बराबर भागों में से चार भाग लेते हैं, तो भिन्न बनेगी 4/4, यानी कि 4/4 बराबर 1 है। इसी प्रकार से हम किसी भी भिन्न को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान ले, हमें संख्या रेखा पर 3/5 दर्शाना है। इसके लिए पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। चूंकि इस भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर 5 है, जो हमें बताता है कि पूर्ण 5 बराबर भागों में विभाजित हुआ है, इसलिए हम बिंदुओं के बीच की दूरी को, जिसे हम इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस भी कहते हैं, इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इसी प्रकार अंश यानी न्यूमरेटर 3 हमें बताता है कि सभी 5 बराबर भागों में से 3 भाग लिए गए हैं, यानी कि संख्या रेखा पर एक भाग होगा 1/5, दो भाग होंगे 2/5, तीन भाग होंगे 3/5, चार भाग होंगे 4/5। इसी तरह अगर 5 में से 5 भाग लिए जाते हैं, तो भिन्न बनेगा 5/5। क्या आप बता सकते हैं संख्या रेखा पर इसका स्थान कहाँ होगा? बिल्कुल सही, यह 1 के स्थान पर आएगा, यानी कि 5/5 और 1 बराबर है। संक्षेप में कहे तो किसी भिन्न a/b को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए पहले इकाई दूरी के b बराबर भाग बना ले और फिर 0 से a भाग गिनकर भिन्न a/b व्यक्त करें। आज हमने सीखा भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्नों के संख्या रेखा पर निरूपण के उदाहरण।